नमस्कार, मैं हूं संगीता राय और आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। और इस वक्त हम सीधे बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो राम सकल यादव के जरिए हम तक पहुंची है। आइए देखते हैं वह खबर है क्या। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स दीपक गुप्ता शहर कोतवाली क्षेत्र के उखराड़ा गांव का रहने वाला है। दीपक के ऊपर आरोप है कि इसने एक लड़की को परेशान करने के लिए उसका अश्लील फोटो व मोबाइल नंबर डालकर अपलोड किया है। दरअसल 21 मार्च को शहर कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने कोतवाली में एप्लीकेशन देते हुए यह आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी लड़की के परेशान करने के उद्देश्य से उसका अश्लील फोटो और मोबाइल नंबर डालकर अपलोड किया गया है, जिससे पूरा परिवार दुखी है। खैर, इस पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक नगर और सीओ सिटी द्वारा जो है गंभीरता से लिया गया। मामले की जांच के लिए प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली रत्नेश कुमार सिंह व साइबर सेल के मनीष सिंह को पूरे मामले के खुलासे के लिए लगाया गया। हालांकि यह इनकी मेहनत का ही नतीजा रहा कि 24 घंटे के अंदर ही महिलाओं के फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो डालने वाले इस शातिर साइबर अपराधी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने बताया कि वह यूट्यूब पर साइबर क्राइम करने के तरीकों को सीख करके कई महिलाओं और लड़कियों के अश्लील मैसेज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोटो अपलोड करता था। जब इस लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया तो उसे जानबूझकर परेशान करने के लिए इसने उसकी फ़ोटो एडिट करके अपलोड कर दिया और अश्लील मैसेज करना शुरू कर दिया। वह यह नहीं जानता था कि वह पकड़ा जाएगा। फिलहाल वह पुलिस से माफ़ी ही मांगते नजर आया। हालांकि पुलिस द्वारा इस अभियुक्त का चालान कर न्यायालय भेज दिया गया। एक लड़का दीपक गुप्ता है जो कोतवाली उखराड़ा रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। और ये बड़ा पेशेवर टाइप का एक साइबर अपराधी है जो अपने मोबाइल से लड़कियों का फेक आईडी बना के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और दोस्ती होने पर उनके साथ उनको ब्लैकमेल करता रहता था। ऐसी कई सारे मामले से खिलाफ आए हैं कि जो महिला टीचर थी उन्होंने इसकी कंप्लेंट की थी। जैसे मैंने आपको दिखाया, उनका जो फेसबुक इसका जो स्नैपशॉट था उसमें काफ़ी इसने अश्लील बातें उनको कहीं लड़की बन करके, और कई सारी ऐसी महिलाओं के साथ इसने से गलत काम किया हुआ है। क्योंकि महिलाएं प्रायः अपनी बातों को कह नहीं पाती हैं वो, और घुटती रहती हैं, लेकिन एक टीचर ने इस बात को थाने में रखा, उसकी FIR दर्ज की गई और हमारे साइबर सेल ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली रत्नेश सिंह ने इसे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से महिलाओं के साथ ये घटना कर रहा था। ये जानकारी हम लोगों को इसके अरेस्टिंग के बाद हुई है, तो हमें लगता है कि एक बड़ा रिलीफ है जो महिलाएं ऑनलाइन मोबाइल यूज करती रहती हैं, तो एक बड़ा बड़ा काम है ये। इसलिए मुकदमा हम लोग लिखे हुए हैं और प्रयास हम लोग करें कि जिन महिलाओं के साथ इसने ऐसी घटनाएँ की हैं पहले भी, वो भी थाने में आए, मुकदमा लिखाएँ। चूँकि अब ये जो क्राइम है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो फील्ड का क्राइम है थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए कि चूँकि दुनिया डिजिटाइज्ड हो रही है, पूरे हमारे चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, स्कूल की टीचर्स हो, लड़कियां हो, शिक्षक शिक्षिकाएं हों, ये सभी मोबाइल यूज करती है, मोबाइल लगभग ऑनलाइन रहता है। इस प्रकार से जो क्राइम फील्ड में होते थे वो क्राइम अब डिजिटल मोबाइल पे आ गए हैं, तो बिना हिचके हुए जिस प्रकार से लोग पहले पीसी की शिकायत थाने में लोग करते रहे हैं, वैसे आ करके थाने में बताएं तो कार्रवाई हम लोग करेंगे और तभी इनकी पहचान हो सकती है। तो ये जो पहले से क्राइम किया है उनको हम लोग मोबाइल नंबर से इसके हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उनको घर वालों को बात करेंगे हम लोग, जाके थाने FIR लिखो इस पर कार्रवाई हम लोग कर सकें। और हमको लगता है कि ये लड़का यंग है और उसी में अपना ये सिख बीमार मानसिकता का है ये, कि महिलाओं को प्रलोभन देना, लड़की बनके उनसे अश्लील बातें करना, ये उसका उद्देश्य था और उसी बीमार मानसिकता के रिश्ते घटना की है ये, और इसीलिए आज ये जेल जा रहा है।